गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. माय सेल्फ प्रवीर रॉय. जैसे बताया आज भी प्रवीर रॉय, कल भी प्रवीर रहेगा, ये तो नो. तो आज जो टॉपिक में हम लोग मीटिंग करने वाला है, आप लोग को सबको पता चल चुका है ऑलरेडी, करेक्ट. आप देखो बिजनेस में सफल बनने के लिए कितना सारा स्किल एंड बहुत सारा कुछ है. यस, डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल को हमको मेंटेन करना पड़ता है, हमको अचीव करना पड़ता है, तभी यहाँ पे सफल बनते हैं. किसी आदमी खुद को सक्सेस को डिपेंड कर देता भाई, मतलब किस्मत के ऊपर में, कोई आदमी छोड़ देता है मेहनत के ऊपर में. बट बेसिकली किसी आदमी को अगर सफल बनना पड़ेगा, उनका सफल होता सक्सेस आएगा तैयारी के ऊपर में. प्रिपरेशन क्या है, प्रिपरेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट किस्मत के ऊपर आपका सक्सेस बनेगा, नॉट आपका मेहनत के ऊपर में सक्सेस बनेगा. अगर आपको सक्सेस बनाना चाहता है तो सिर्फ ओनली प्रिपरेशन से आता आपका सक्सेस. जितना सारा स्किल यहाँ पे हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हमको बढ़ाने के लिए जो हम लोग एक्वायर करते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ स्किल. बट आउट ऑफ द लॉट ऑफ स्किल सबसे बड़ा स्किल है जहां से हमारा बिजनेस को बढ़ाता है, जो दुनिया में हजारों लाखों आदमी मतलब बनाए, एक्चुअली सक्सेसफुल बनाए, दैट इज अ मार्केटिंग प्लान, बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान. आज अगर हम यहाँ पे डबल कर डायरेक्टर लेवल में है, हम किससे आया, प्लान देख के ही तो आया. जो आदमी ड्यू सिटी बना है वो भी तो प्लान से आया, पहले प्लान देखा है ना. जो एम्बेसडर बना है ना वो भी प्लान से आया, प्लान देख के आया. मतलब रिच आदमी का मतलब कहां से आता है, प्लान से आता है. मतलब प्लान इज एवरीथिंग, ये दोनों. और हम लोग उस प्लान के ऊपर में मास्टर होना पड़ेगा, करेक्ट. एंड जो भी आदमी लाइफ में सफल बनता है ना, आप चेक करके देखो, वो रेगुलर बेस पे एवरीडे प्लान दिखाने का प्रोसेस में रहता है. यस, अच्छा प्लान दिखाने के लिए आप कैसे दिखाएगा वो तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा, डिपेंड. बट प्लान दिखाने का टाइम में क्या क्या रूल टिक्स फॉलो करना पड़ेगा, उस चीज के ऊपर हम डिस्कस करने वाला है. प्लान कैसे देखेगा, हमारा प्लान क्या होता है, प्लान के ऊपर में जो प्लान दिखाने के लिए आएगा, पहले क्या, नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपका पहले नॉलेज को लेना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में नहीं होता है. एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन, छह दिन, आठ दिन, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, चार महीना लगेगा. जब भी मार्केटिंग प्लान डेली हमारा यहाँ पे शो करता है ना कोई भी लीडर, वेडनेसडे संडे, अगर रेगुलर बेस पे आप देखता है ना, उसको अगर नोट कर दे किस चीज का बाद क्या चीज लेके आता है, पहले उसको खुद को प्रोफाइल बता दे खुद के बारे में, उसका बाद हमारा सिस्टम का मतलब एनवायरमेंट के बारे में बताए किस तरह का एनवायरमेंट है, उसका बाद बताए आज का दिन में सिचुएशन क्या है, उसका बाद बताए कैसे आज का दिन में इतना सारा क्राउड होता है, मतलब इतना सारा मतलब एडुकेशन लेने का बाद भी नौकरी का तलाश में जाता है, नौकरी भी नहीं है. उसका बाद आता है कैसे सॉल्यूशन होगा. सॉल्यूशन के ऊपर में क्या बताया था, डायरेक्ट सेलिंग इज द ओनली सॉल्यूशन. क्योंकि इतना सारा क्राउड को आप कोई मतलब किधर में भी आप एडजस्ट कर नहीं पाएगा. तो आफ्टर दैट अगर डायरेक्ट सेलिंग में होगा तो उसका बाद हम लोग हमारा कंपनी का प्रोफाइल में आता है. मतलब ये अगर आप प्लान देख रहे हैं, प्लान का अंदर में अगर ये नोट कर रहा था ये कैसे कैसे किसका बाद कौन सा प्रोजेक्ट को लेके आ रहा है, ये दोनों पहले खुद के बारे में बता रहा है, उसका बाद एनवायरमेंट के बारे में बता रहा है, उसका बाद क्या कर रहा है हमारा सिचुएशन. जो आज इतना सारा एडुकेशन लेने का बाद भी नौकरी नहीं है, उसका बाद देखा है ना कोरोना कैसे हालत खराब कर दिया, तो उसका बाद अब सॉल्यूशन देखा था डायरेक्ट सेलिंग. जब डायरेक्ट सेलिंग सॉल्यूशन दिखाता है, उसका बाद डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग क्या होता है वो पूरा देख लेते हैं. एक्सपर्टाइज का क्या, आपका एक्सपर्टाइज का मतलब कॉमेंट है इसका ऊपर में, ऑल ओवर इंडिया का अंदर में ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या होता है, दुनिया का अंदर में कैसे लाखों आदमी का लाइफ को चेंज करता, कैसे रीच बनाता है, उसका बाद लेके आता है क्या हमारा वेस्टिज कंपनी का टोटल प्रोफाइल. प्रोफाइल को दिखाने का साथ उसका आपके लेके कहां पे आता है, प्रोडक्ट लाइन में आता है. जिसको प्रोफाइल को लेके आता है हमारा प्रोडक्ट डीलिंग होता है, प्रोडक्ट का बाद हमारा मार्केटिंग प्लान को लेके आता है. इस प्लान का थ्रू आप कैसे आपका लाइफ को सफल बनाएगा उसको प्लान के बारे में डिस्कस होता है. आफ्टर दैट आप क्लोजिंग कर देते, ये तो प्लान है. बट ये आपको रेगुलर बेस पे सीखना पड़ेगा, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में जाके जब भी आप नोट कर रहे करके वो घर का अंदर में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ये दोनों जितना बार प्रैक्टिस करेगा उतना आप एक्सपर्टाइज होगा ना हो. आप लोग यहाँ मेन जो पॉइंट में जाएगा ये तो आपको सीखने वाला पार्ट है, बट उसका चीज में जो भी करने के लिए जाएगा क्या क्या चीज को आपको मतलब नॉलेज में लाना पड़ेगा, क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या टिप्स है, क्या क्या रूल्स है, उस चीज के बारे में हम आपको बताएंगे. तो आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन शेयर करने के लिए हम जा रहे हैं. मेरे को मदद करो, स्क्रीन शेयर होकर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक बार मेरे को चेक कराओ. करेक्ट, डायरेक्टली हम आता है स्क्रीन शेयर में. अच्छा दिखाई दे रहा है स्क्रीन शेयर? यस सर.
बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं? यस सर, स्क्रीन शेयर हो गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक बार बड़ा कर दे इसको, एक मिनट। बड़ा हो गया स्क्रीन? यस सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो हम इतना टाइम जो बात करके गया, नाउ आफ्टर दैट क्या करेगा? रूल्स एंड टिप्स फॉर बिजनेस प्लान्स, जो प्लान्स हो बिजनेस प्रेजेंट तो करके जाएंगे, जो करने का पहले करने का बाद बहुत सारा रूल्स एंड टिप्स है, अगर इसको फॉलो करें तो बेटर प्लान आप कर पाएगा, जहां से आपका रिजल्ट सुपर रिजल्ट आपका आने वाला है। करेक्ट। तो उसका अंदर में अगर देखिए, पहले रूल्स एंड टिप्स फॉर बिजनेस प्लान्स हो, वहां पे क्या होता है मालूम है? जो आप पहले बताया गया ना, प्रिपेयर्डनेस इज द की टू सक्सेस। जैसे बताया क्या, आपको तैयार मेहनत से नहीं होगा, किस्मत से आपका सक्सेस नहीं होगा, प्रिपरेशन का आपका सक्सेस होगा। तो क्या क्या रूल्स है उसका बारे में कुछ हम बताने वाला है, जो रूल्स आपका 20 टिप्स यू आर गोइंग टू शेयर योर बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान। जब भी हमारा प्लान को शो करने के लिए जाएंगे, यस प्लान हो तो आपको ही करने का, पहले क्या होगा, आप जो प्लान हो सीख रहे हैं रेगुलर बेस पर सीख रहे हैं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने का बाद आपको टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी होके आपका घर पे पहले प्लान दिखाना पड़ेगा, उसके बाद फील्ड में उतरना पड़ेगा। ये दोनों, पहले प्लान गलती होगा, उसके बाद थर्ड सेकंड फोर्थ, बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके प्लान को शो करना पड़ेगा। जब तक प्लान शो नहीं करेगा तब तक आपको आगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रैक्टिस के ऊपर भी होगा। बट जब भी ये काम करने के लिए जाएगा तो वहां पे जो टिप्स का बारे में बता रहे, 20 टिप्स यू आर गोइंग टू शेयर योर बिजनेस प्रेजेंटेशन प्लान। जब भी कहां पे भी निकल गया बाहर में प्लान दिखाने के लिए, पहले जो करना पड़ेगा आपको, कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। पहले किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे, प्लान दिखाने का पहले जब स्टार्ट कर रहा, प्रिपेरेंस जो टिप्स होगा आपका, योर कॉन्फिडेंस शुड बी द हाई। कॉन्फिडेंस कहां से हाई होगा? कॉन्फिडेंस तभी हाई होगा जब आपका टोटल नॉलेज इसका बारे में मिल गया, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या कर सकते, नेटवर्क इंडस्ट्री क्या कर सकते, कितना आदमी का लाइफ को चेंज किया। यस, हजारों लाखों आदमी को चेंज कर रहे, और आपका भी लाइफ चेंज होने वाला है। वो कॉन्फिडेंस आपका अंदर में ग्रो करेगा, किसका सामने प्लान दिखाने के लिए जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आपका अंदर में होना चाहिए। जब एक कॉन्फिडेंस सामने वाला आदमी जो प्लान दिखाने के लिए जाएगा ना, उनका अंदर में ऐसा बिलीव आ जाएगा ना, दे विल साइन विद योर टीम एक्चुअली। दैट इज द सिस्टम। पहले पॉइंट, बिल्कुल कॉन्फिडेंस को हाई करना पड़ेगा। सेकेंड जो पॉइंट टिप्स है प्लान दिखाने का पहले, उस टिप्स होता है क्या है, गोइंग द इंटरेक्शन, मतलब इंटेंशन टू बिल्ड ए पार्टनरशिप एंड टू सपोर्ट देम टू फुलफिल द ड्रीम। जिसका पास प्लान दिखाने के लिए जा रहा है ना, आपका माथा में पहले डालो, हम इनको सपोर्ट करने के लिए जा रहे हैं, इससे कमाने के लिए नहीं जा रहे, इससे कितना पैसा कमाएगा, ये थॉट प्रोसेस रॉन्ग है। क्योंकि ये थॉट प्रोसेस कौन सुनता है? ऊपर वाला एक ही आदमी है जिनका नाम है गॉड है, ये पूरा फॉलो करता है आपको। यस, आपका इंटेंशन टोटली क्लियर होना चाहिए। जिस आदमी का पास प्लान दिखाने के लिए जा रहे ना, इनका सर पार्टनरशिप करने के लिए जा रहे हैं, और इन आदमी को सपोर्ट करेगा, इनका ड्रीम को फुलफिल करेंगे। अगर ये इंटेंशन जाएगा, भाई हम वहां पे जाए उसको प्लान दिखाने ज्वाइन करेगा, मेरा पीवी आएगा, मेरा इनकम बढ़ेगा, दिस इज अ रॉन्ग इंटेंशन। ये टिप्स है, ये टिप्स आपका माथा में डालो पहले। करेक्ट। अगर उसका बाद अगर देखिए, सेकंड थर्ड टिप्स जो हुआ ना, बिफोर गोइंग टू प्लान, ये आपका खुद का ऊपर में डालना पड़ेगा, आपका टोटली पर्सनलिटी के ऊपर में डालना पड़ेगा, पर्सनलिटी ग्रूमिंग का ऊपर पे आ रहा है। उसका बाद क्या होगा ना, 3 नंबर पॉइंट जो आपको चेक करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ए स्माइलिंग। आप जहां पे प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, आपका फेस टोटली स्माइलिंग फेस पे जाना चाहिए। किसी आदमी आपको देख के लगेगा नहीं भाई आप दुखी है प्लान दिखाने के लिए, आपको लगता है अंदर में टेंशन चल रहा है, अगर आप ज्वाइन नहीं करेगा उसको क्या हो जाए, मतलब कोई भी इंप्रेस है आपका अंदर में, वो सामने वाला आदमी को देख के पता चलना चाहिए, यू आर द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आपका स्माइलिंग फेस है, बिल्कुल सीधा है। ये चीज आपको, ये टिप्स लेके आपको जाना पड़ेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट किसी को प्लान दिखाने के लिए जब जाएगा। उसका बाद 4 नंबर पॉइंट जो देने वाला है टिप्स है, दैट इज कॉल्ड ए फेथ। मतलब जो काम, जो प्लान आप लेके जा रहे हैं, क्या आपका बिलीव है बिजनेस से आपको लाइफ सफल बनेगा? उस बिलीव फेथ क्या आपका अंदर में है? क्या आपका कंपनी का ऊपर आपका फेथ ऐसा पावरफुल है, इसको फेथ को लेके जाता है? ये फेथ क्या रिफ्लेक्शन होता है आपका साथ, जिसको प्लान दिखाने के लिए जा रहा है उसका सामने, ये फेथ का रिफ्लेक्शन आता है क्या आपका आंखों के ऊपर में, चेहरे के ऊपर में, बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर में, वे ऑफ टॉकिंग के ऊपर में, आपका पोस्चर टेकिंग के ऊपर में, क्या इसके किस चीज के ऊपर में आपका फेथ आता है क्या? ये पहले डेवलप करो किसी को जब प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं। उसका बाद जो पॉइंट आता है, दिस पॉइंट ए गुड ड्रेसअप। किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएगा भाई, चोटी पहन के चल गया,
आपका पास कोई ड्रेसअप ही नहीं है, सामने वाला आदमी को देख के लगता है क्या ये टाइम पास करने के लिए आया, कैजुअल मूड में जाके किसी को प्लान दिखाने के लिए गया, क्या आपको लगता है वो आपका साथ ज्वाइन होगा? दे आर ऑब्जर्विंग टू यू, क्या प्लान लेके, इंटरनेशनल बिजनेस है, दुनिया को चेंज करने वाला है, करोड़ कमाता है, लाखों कमाता है, ये एमबीए एमकॉम करने एमएससी करने का बाद आदमी को नौकरी नहीं मिल रहा है, ये एक अपॉर्चुनिटी जहां पे लाइफ को चेंज करने वाला है, व्हाट इज योर ड्रेस अप? यस, तो ड्रेस अप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी लेवल में हो, बिफोर गोइंग टू सक्सेसफुल यू हैव टू एक्ट लाइक ए सक्सेसफुल मैन एंड वुमन। आप सफल बनने का पहले आपको एक्टिंग में जाना पड़ेगा, यू आर ए सक्सेसफुल मैन एंड वुमन, अदरवाइज यू कैनॉट गेट द रिजल्ट। क्या होता है, हम सब एक सक्सेस होने का बाद हम ये सब करेगा, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ये सिस्टम क्या होता है, सक्सेस बनने का पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा। यू आर ए सक्सेसफुल मैन एंड वुमन, आदमी को सामने वाला पता होना चाहिए यू आर डूइंग समथिंग, यू आर डूइंग ए ग्रेट प्लान, जाके लेके आ गया, सभी तो प्लान देखा था, प्लान में क्या हाथी घोड़ा है आपको बताइए ना, क्या प्लान में, हमारा इंट्रोडक्शन देते हैं, कंपनी का प्रॉफिट दिखाते हैं, उसको प्लान जो सिखाया वो स्लाइड शो करता है, सब कुछ देके काम को करता है, बट इंप्रेशन का है, अगर ये चीज नहीं रहेगा आपका साथ कैसे जोड़ेगा, क्या आपका टीम में जोड़ने के लिए तैयार होगा? कभी नहीं होगा। इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड ड्रेसअप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस ड्रेसअप को ऊपर लगाइए। यस, आफ्टर दैट जो पॉइंट आएगा ना, पर्सनल हाइजीन, ड्रेसअप जैसे क्या ना, आपका आप किसी को पास जाइए प्लान दिखाने के लिए, आपका गांव आपका बॉडी से मतलब दुर्गंध आ रहा है, आपका स्वेटिंग का ये आ रहा है, आपका हाइजीन को क्लियर करना पड़ेगा, सब कुछ है, थोड़ा सेंट्स बॉडी स्प्रे कोई पाउडर, ऐसे आदमी को जिसको पास जा रहे ना उनको अंदाज होना चाहिए, अच्छा प्लान लेके आया, इंटरनेशनल प्लान लेके आया, ये दोनों बिफोर दैट गोइंग टू प्लान दिखाने के लिए प्रिपरेशन करेक्ट, तो पर्सनल हाइजीन को डेवलप करना पड़ेगा। ये दोनों आपका आपका नोखो के ऊपर भी यहाँ पे इतना सारा सारा लंबा लॉक है, वहां पे मतलब वो डास्ट भी है, आपको देख के एक आदमी ना आपको ऑब्जर्व कर दे तीन चार सेकंड के अंदर में, इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पर्सनल हाइजीन उसको भी ठीक करना पड़ेगा। प्लान प्रेजेंटेशन बुक्स, हम सीधा चल गया प्लान दिखाने के लिए, मेरा कुछ नहीं है, एक न्यूज़पेपर का पीछे पीठ में लाके उसको प्लान दिखा के आ गया, कोई खाता का पीछे एक साइड में लिखा है आलू प्याज का रेट है, और एक साइड में लेके भाई हम आपको प्लान दिखाने के लिए आया, मैं मुंह में देखे जाके एकदम मुंह में प्लान दिखा दिया, कोई पेपर्स पे नहीं है, एक पैड नहीं है, क्या लगता है आपको वो आदमी का इंप्रेशन ठीक होगा? हम बहुत सारे आदमी को देखते हैं ना प्लान दिखाने के लिए गया, चोटी पहन के चल गया, कोई हाथ में कोई पेपर बुक्स नहीं है, प्रेजेंटेशन प्लान बुक्स नहीं है, कुछ नहीं है, वो जाके ना मुंह में बताता है कोई आदमी कोई साइड में उससे कागज मांगते हैं, एक तो कागज देना भाई आपको प्लान दिखाएगा, एक तो पेन दे देना भाई प्लान, ऐसे सिस्टम नहीं है, आप इंटरनेशनल बिजनेस का अंदर में है, प्रॉपर बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा आपको। ये दोनों आज हम नहीं है, डे वन से जिस दिन से आप काम चालू किया 15 दिन का अंदर में खुद चेकअप किया प्लान दिखाने के लिए, जब जिस दिन प्लान दिखाने के लिए हम रेडी होते ना, प्लान दिखाने के लिए जो जो प्रिपरेशन मेरे को चाहिए ना सब कुछ मेरे अंदर में है, ये बुक्स भी है, प्रेजेंटेशन बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका अंदर होना चाहिए। उसका बाद क्या होता है ना, प्रोडक्ट ब्रोशियर दैट यू कैन लिव विद द टीम देम, अगर किसी का पास प्लान दिखाने के लिए गया, क्या आपका प्रोडक्ट ब्रोशियर है? अगर आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट ब्रोशियर नहीं है, क्या आपका अंदर में ऑनलाइन बेस्ड प्रोडक्ट ब्रोशियर है, ताकि आप उसको मोबाइल पे डाल के आ सकते हैं, तुरंत वो प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं। ये दोनों अगर जो दिखता है ना बिकता है, अब दिखता ही नहीं बिकेगा कहा, दिखने वाला काम है, बिकता बिकेगा कैसे, स्वाइप ही नहीं हो रहे तो आपको कैसे काम होगा? आप किसी का पास प्लान दिखाने के लिए, आपका पास प्रोडक्ट ब्रोशियर चाहिए जैसा प्लान प्रेजेंटेशन बुक चाहिए, ऐसा प्रोडक्ट ब्रोशियर भी चाहिए, आपका मोबाइल भी हो सकता है, आपका ओरिजिनल कार्ड भी हो सकते हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बाद आप देखिए कंपनी अचीवमेंट बुक्स, क्या आप जो जहां पे प्लान दिखाने के लिए आपका प्रॉपर बुक्स है, एसओएस बुक्स है, हम किसी को दिखा सकते हैं आफ्टर द प्लान शो, क्या दिखा सकते हैं इतना आदमी डायरेक्टर है, इतना आदमी सफल है, 6 महीने का अंदर इतना आदमी डायरेक्टर बनता है, 7 महीने अंदर में इतना आदमी सिल्वर बनता है, गोल्ड बनता है, डायमंड बनता है, 6 महीने का जो मैगजीन आता है उस मैगजीन का अंदर में एक इतना 6 महीने का अंदर इतना आदमी गाड़ी लेता है, लग्जरियस कार लेता है, क्या दिखा सकते मेरा पास वो कंपनी का अचीवमेंट बुक्स है, क्या ना ऐसे ही चल गया, मेरा पास कुछ नहीं, मुंह में जाके बता के आ गया। अगर ये नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू प्रिपरेशन, आपको बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई प्रिपरेशन नहीं आपका, ये आपको होना चाहिए। आज भी किसी को प्लान दिखाने जाता है, मेरे पास लैपटॉप भी है, मेरा बैग का अंदर में ना एसओएस बुक से लेके सब कुछ रहता है, किसी को प्लान दिखाने का साथ दिखाता है, सर आप देखिए 6 महीने में इतना गाड़ी है, सर मेरा पास कार बुक है, बस सर मेरा पास ये है, सर मेरा पास
लेडी ग्रेडी बुक, दीज आर द कंपनी अचीवमेंट बुक्स। अगर ये किसी को दिखा नहीं पाएगा उसका बिलीव लेवल कैसे बढ़ेगा? हम प्लान दिखा के आ गया ऐसे कैजुअल, तो क्या लगता है बिजनेस आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। ये टिप्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको मेंटेन करें तो गारंटी, अगर 10 आदमी को प्लान दिखाएगा 8 आदमी तो साइन करेगा, गारंटी। आपको प्रिपरेशन अच्छा होना चाहिए प्लान दिखाने का पहले, करेक्ट। उसका बाद कंपनी इवेंट वीडियोस इन योर मोबाइल और लैपटॉप। अगर आपका पास लैपटॉप नहीं है, अगर आपका फोन भी है, कंपनी का जो बड़ा बड़ा इवेंट है उस इवेंट का दो एक वीडियो आपका साथ होना चाहिए। किसी को जब प्लान दिखा दिया लास्ट में एक एक शॉट 3 मिनट के लिए, उसको मतलब उसको टेलर देखा, टेलर हम सबको देखा टेलर। हम किसी को जब प्लान दिखाते ना, हम दिखाते किसको मालूम है? हम दिखाते लग्जरी कार का जो अचीवमेंट हो ना, थोड़ा सा दिखा देते, वो झलक चला जाते वहां पे। जब प्लान दिखा लास्ट में दिखाते, आप सब देखिए सर एक अचीवमेंट दिखा दिया सर, 40,000 पीपल इस हॉल के अंदर बैठा है, एक बाय एक बीएमडब्ल्यू ऑडी मर्सिडीज जगुआर ऊपर में उठते हैं। हम रखता है वीडियो फोन के अंदर में, हम रखता है ये लैपटॉप के अंदर में, कंपनी इवेंट वीडियो मोबाइल है लैपटॉप। विश्वास कैसे बढ़ाएगा? इतना बड़ा कंपनी मुंह में क्या बताएगा? दीज आर टिप्स बिफोर गोइंग टू शो। जो प्लान शो करने के लिए अगले निकाला ना, ये चीज को आपको फॉलो करो पहले। गेदर उसका बाद क्या होता है, आपका पास प्रोडक्ट वीडियो इन योर मोबाइल और लैपटॉप, कोई भी प्रोडक्ट का बात अगर डेमोंस्ट्रेट कर रहा है, एक दो वीडियो आपका पास होना चाहिए 2 मिनट के लिए। वो जैसे हम हमारा कंपनी के इवेंट का वीडियो रहना, मेरा पास प्रोडक्ट वीडियो भी देख होना चाहिए, किसी को तुरंत दिखा सकता हूं अगर देखना चाहता है। दिस वेरी इंपॉर्टेंट है नंबर पॉइंट। उसका बाद क्या होता है, टेस्टिमोनियल ऑफ लीडर्स, लीडर्स इन वीडियोस। अगर आपको ऊपर में कोई भी प्रवीण आई का ऊपर में कोई भी लीडर है, उनका सक्सेस का टेस्टिमोनियल 2-1, 5 मिनट का, 6 मिनट का, 8 मिनट का, उसको आपको लैपटॉप में आपका वीडियो का अंदर में मोबाइल का अंदर में चेक करके रखना पड़ता है। आपका साथ किसी आदमी को छवि उठाया कोई टॉप लीडर का, उसको छवि पैक करके वहां पे रखो, टेस्टिमोनियल बता दिए, ये आदमी यहाँ पे है, ये आदमी का 7 लाख इनकम है, ये आदमी 6 लाख इनकम है, ये भी ये गाड़ी चलाता है। किसी को जब प्लान देखा है उसको शो करना पड़ता है, टेस्टिमोनियल ऑफ लीडर्स इन वीडियोस जब भी आफ्टर द प्लान, तभी तो बनेगा ना। ये नहीं देखा क्या बनेगा कैसे? आफ्टर दैट क्या होता है, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियो। ये दोनों हमारा पास टेस्टिमोनियल आज का दिन में क्या हुआ, हमारा एक मीटिंग होता है टेस्टिमोनियल के लिए। अगर दो एक चीज जो प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल होता है, दो एक आदमी अगर बताया प्रोडक्ट के बारे में, सर ये प्रोडक्ट खाने का साथ हमारा पास इतना बेनिफिट हो गया, उसके टिप्स अगर वो वीडियो अगर आपका वीडियो में रह गया ना मोबाइल में, तो किसी को एक झटका देखेगा ना उसका बिलीव आ जाएगा। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल वीडियो भी आपका अंदर में होना चाहिए। 13 नंबर पॉइंट, 14 नंबर पॉइंट अगर देखिए, गुड डायरी एंड नोटबुक। एक फटा वाला खाता लेके आ गया, एक कुछ ऐसा प्रिंटेड बुक्स लेके आ गया, एक सॉलिड डायरी होना चाहिए। सबने आदमी देखेगा आपको, एक नोटबुक पक्का होना चाहिए जिसको दिखाएगा प्लान 10 उस चीज के ऊपर। उसका बाद और एक की चाहिए, आपका गुड पेन चाहिए। जो पेन में लिखता है ना आदमी देखेगा, 2 रुपया का लेके चल गया एक सेलो, पहले ना जो जिसको प्लान दिखाने के लिए आया ना उनका ना गायब हो जाएगा आपका, जो आपका कॉन्सेंट्रेशन ना बोले क्या बिजनेस दिखाएगा भाई, इतना बड़ा प्लान दिखाने के लिए आया, 3 रुपया सेलो लेके उसमें एक एक छोटा सा कागज का अंदर आप लिख रहे, आपको क्या लगता है यू आर बिजनेस ओनर? हम क्या बोल रहे आपको, बिजनेस मैन बनने का पहले आपको एक्ट करो बिजनेस मैन, गेदनो। तो गुड बेल एक पे होना चाहिए। उसका बाद गुड बैग होना चाहिए, एक एक प्लास्टिक का अंदर में सब भर के लेके आ गया, सामने आदमी का साफ खुला है ना, वो एक एक फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। जो फर्स्ट इमेज, जो एक बार इमेज बनता ना, सेकेंड बार इमेज को बना नहीं पाया वो। जो एक बार आदमी का सामने इमेज बन जाता ना, सेकेंड बार इमेज को चेंज कर नहीं पाएगा। इसलिए बताता है फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। इसको पहले चेकअप करो, आपका अंदर एक सॉलिड बैग होना चाहिए, एक बैग होना चाहिए। लेडीज का अलग से बैग, जेंट्स का अलग से बैग होना चाहिए। आई एम डूइंग अ बिजनेस बॉस, उसमें भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, क्योंकि बिजनेस बिजनेस मैन है, कभी इन्वेस्टमेंट करता है उसका पीछे थोड़ा सा, क्योंकि एक कैरी वाला बैग होना चाहिए, लोग देखेगा खुलेगा, उसमें आपका हाफ 90% बिजनेस हो जाते। तो गुड बकेट भी चाहिए सबको अंदर में डालने के लिए। और क्या चाहिए आपका, ऑर्डर फॉर्म्स। आज हम लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आपका बैग भी ऑर्डर पे भी रखना चाहिए, जो आदमी का प्लस जब खुलेगा ना ऑर्डर फॉर्म, वो देखेगा इतना बंच ऑफ ऑर्डर फॉर्म है, मतलब तो इतना आदमी कितना आदमी को साइन कराता है, एक इंप्रेशन होता है, एक थॉट प्रोसेस अंदर में घुस जाता है। अच्छा इतना आदमी का पास इतना ज्वाइनिंग फॉर्म है, मतलब ये कितना आदमी को साइन कराता है, आप सोच के देखिए। आप मोबाइल में साइन कर रहे हैं, बट प्रैक्टिकल फॉर्म होना चाहिए आपका आपका उस बैग का अंदर में। ये दोनों और एक पॉइंट है, जिस पॉइंट का नाम है फ्यू प्रोडक्ट टू शो।
आपका बैग ना अंदर में दो चार प्रोडक्ट होना चाहिए, जरूरी आपका स्पिरुलिना होना चाहिए, जरूरी आपका फ्लैक्सल होना चाहिए, यस फ्यू प्रोडक्ट सो किसी को दिखाने के लिए, यस उसका बाद क्या होता है डेमो किट, इफ योर प्रोडक्ट नीड्स डेमो, अगर हमारा कोई भी प्रोडक्ट का डेमो कर पाएगा डेमो किट के लिए, उस प्रिपरेशन आपका अंदर वो बैग का अंदर में टोटल होना चाहिए, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा बैग माय ऑफिस है, हम ढाल नहीं तोरल नहीं निधिराम सौदार, एक बात बता दो ना, ये ढाल नहीं तोरल नहीं निधिराम सौदार, एक बांग्ला में कहावत है, कुछ नहीं युद्ध करने के लिए फाइट करने के लिए आ गया, मेरे पास कुछ नहीं, बोले ना कोई आदमी को प्लान दिखाने के लिए वो ज्वाइन नहीं किया, कैसे करेगा भाई, यू आर प्रिपेयर, क्या काम करने के लिए तैयार है, यू एक्ट लाइक ए बिजनेसमैन, कैसे बनेगा बताइए, तो डेमो किट इफ योर प्रोडक्ट नीड्स डेमो, उसका और एक पॉइंट है, एनी अदर मटेरियल्स और टूल्स दैट यू कैन हेल्प इन क्लोजिंग द सेल, अगर आपको लगता है और भी कुछ टूल्स आपको लगना पड़ेगा हमारा क्लोज करने के लिए प्लान जिसको दिखाया, तो ये भी आपको रख सकते हैं, आपका ब्रेन में अगर आ रहा है और भी कुछ आपको ये चाहिए तो आप भी वो डाल सकते हैं, तो ये जो 20 टिप्स होता है ना, आप जो किसी को प्लान दिखाने के लिए गया ना जा रहा है ना, वो टोटल टोटल टिप्स जो दिया ना, ये टोटल आपका अंदर होना चाहिए एक बड़ा बिजनेस को करने के लिए। उसका बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे, करेक्ट द गोल्डन रूल्स फॉर शोइंग ए बिजनेस प्लान, द गोल्डन रूल्स, जो भी प्लान शो कर रहा है ना, ये रूल्स क्या होता है, पहले रूल्स है, पहले रूल्स के बारे में बात करेंगे, रूल नंबर वन, रूल नंबर वन, बी प्रिपेयर्ड फॉर येस और नो, आप ऐसा माइंड सेट करो क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, जितना भी अच्छा प्लान दिखाओ हमारा लॉ ऑफ एवरेज में चलता है, आपको क्या लगता है 2 आदमी साइन कर देगा, नहीं करेगा, ये पक्का आपका अंदर में डाल दो, कोई आदमी नो बोलेगा कोई आदमी येस बोलेगा, बट बी प्रिपेयर्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबर गेम का खेला है, जितना नंबर हम प्लान दिखाएगा ना उतना नंबर मेरा बिजनेस आने वाला चांस है, तो नंबर ऑफ पीपल को प्लान दिखाएगा, तो वहां पे कोई आदमी ना बोलेगा कोई आदमी हाँ बोलेगा, इट डजंट मैटर, तो रूल नंबर वन क्या होता है ना, ये गोल्डन रूल है, खुद को प्रिपेयर कर लो, कोई आदमी यस बोलेगा कोई आदमी नो बोलेगा, इट डजंट मैटर अबाउट इट, ये कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा काम है प्लान दिखाने का, ये पहले रूल नंबर वन, ये दोनों, और रूल नंबर टू, रूल नंबर टू क्या होता है, व्हाट इज सस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्ट इन सस्पेक्टिंग, जिसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे उसका बारे में टोटल इंफॉर्मेशन तो गैदर करो, ये दोनों, उसका बारे में टोटल इंफॉर्मेशन, क्या करते हैं, कौन सा काम है, किस टाइम में काम करते हैं, घर पे कौन है, यस इस आदमी का टाइम कौन सा टाइम फ्री है, कौन सा टाइम बिजी है, पूरा चीज का ऊपर में, रूल नंबर टू, व्हाट इज योर सस्पेक्टिंग, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोस्पेक्ट, जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसको आप प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जा रहे हैं, जो जिसको प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, उसका बारे में पहले से आप गैदर करो इंफॉर्मेशन, ताकि आप बात करने के लिए सुविधा होगा, ये दोनों, रूल नंबर टू, व्हाट इज ए सस्पेक्टिंग, गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोस्पेक्टिंग, सस्पेक्टिंग, ये दोनों, उसका बाद आप देखो रूल नंबर थ्री, थ्री में क्या होगा ना, आप भी जो भी कोई प्लान दिखाएगा ना, अपॉर्चुनिटी बेस्ड प्लान दिखाओ, प्रोडक्ट बेस्ड प्लान मत दिखाओ, अपॉर्चुनिटी इज द ओनली प्रोडक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग, हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट नहीं, ओनली अपॉर्चुनिटी द प्रोडक्ट, अच्छा ढंग से माथा में घुसा लो, हमारा इंडस्ट्री में एक ही प्रोडक्ट है जिस प्रोडक्ट का नाम है अपॉर्चुनिटी, समझ में आया, अगर वी आर प्रोड्यूस, हम लोग अगर प्रमोट करते प्रोडक्ट को, यू विल गेट द यूजर, आपको यूजर मिलेगा, अगर प्रोडक्ट को प्रमोट का ऊपर में हमारा फोकस होगा तो आपको मिलेगा ज्यादा यूजर, अगर प्लान को ज्यादा प्रमोट करेंगे तो आपको मिलेगा ज्यादा बिजनेसमैन, अगर विजन को आप प्रमोट करेंगे तो आपका टीम में आपको मिलेगा ज्यादा लीडर, मतलब प्रोडक्ट इज अ पार्ट बट हमारा नेटवर्क इंडस्ट्री में नेक नंबर प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी इज ए नंबर वन प्रोडक्ट इन नेटवर्क मार्केटिंग, और कोई प्रोडक्ट नहीं है, बाकी जो प्रोडक्ट है ना इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, इनको मेरे को चाहिए, बट यहाँ पे ओनली वन प्रोडक्ट, देर इज अपॉर्चुनिटी फॉर, अपॉर्चुनिटी फॉर सॉल्व, अपॉर्चुनिटी फॉर ड्रीम बिल्डिंग, समझ में क्या बोल रहे, तो यू आर प्रमोटिंग प्रोडक्ट तो यू विल गेट द यूजर, इफ यू आर प्रमोटिंग द बिजनेस मतलब प्लान यू विल गेट द बिजनेसमैन, एंड इफ यू आर प्रमोटिंग द विजन यू विल गेट द लीडर, समझ में आया, द रूल नंबर थ्री,
पूरा दिमाग में घुसा दो। यस, आपको प्लान का बेस होना चाहिए, आपका प्लान बेस अपॉर्चुनिटी बेस प्लान दिखाना चाहिए, प्रोडक्ट बेस प्लान नहीं। चार नंबर रूल क्या होता है? फिक्स टाइम एंड प्लेस फॉर प्रेजेंटिंग बिजनेस प्लान। अचानक किसी आदमी को बोला भाई अच्छा आया आपका पास प्लान दिखाने के लिए, मत करो ऐसा। द राइट टाइम द राइट प्लेस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो द प्लान। ऐसे मन चाह गया, एक आदमी को फोन कर दिया भाई चलो जाके आपको प्लान दिखाएगा, यू आर सेलिंग योर लाइफ, आप खुद को सेल कर रहे हैं। टेक योर पोस्चर मेंटेलिटी, इट इज नॉट द बेगिंग मेंटेलिटी। आई एम गोइंग टू द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ द अर्थ टुडे। किसी आदमी को लाइफ बनाने का काम कर रहे हैं हम, किसी से मतलब कुछ नहीं मांग रहे, हम इनको ऑफर दे रहे हैं इनको लाइफ को चेंज करने के लिए। तो मतलब ऐसा मत करो जल्दी में, किसी आदमी को मिला है प्लान दिखा देगा, यू आर लूज योर वैल्यू, आपका वैल्यू को लूज कर देगा। और अगर वैल्यू को लूज करेगा ना तो यू आर लॉस्ट एवरीथिंग, आप ये बिजनेस को खड़ा नहीं कर पाएगा। दिस इज द बिगिंग अप्रोच हो गया। तो कोई भी टाइम है आपका फिक्स टाइम एंड प्लेस होना चाहिए फॉर प्रेजेंटेशन बिजनेस प्लान को। राइट टाइम एंड द राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सो द प्लान, रूल नंबर 4। रूल नंबर 5 के बारे में बता रहे बोला है। रूल नंबर 5, क्रिएट इफेक्टिवनेस। व्हाट इज कॉल्ड द इफेक्टिवनेस? किसी आदमी को अगर प्लान दिखाने के लिए गया, एक आदमी बोला सर आपका 2 साल के अंदर में लाइफ को चेंज कर देगा, पकड़ लीजिए 20,000 का इनकम कमाने का रास्ता दिखा रहे, दिस इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन में कभी आपकी लाइफ चेंज नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होगा। क्या चाहिए आपको? एनर्जेटिक इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड टू एफर्ट। आपका जो इंफॉर्मेशन है एनर्जी होना चाहिए। भाई 3 साल के अंदर में मेरा एक प्लान है आपका लाइफ चेंज कर देगा, 3 साल के अंदर में मेरा 20,000 रुपए कमाने के लिए आपको मौका देता है, क्या इसका अंदर में ये क्या लगता है आपको? इंफॉर्मेशन है, बट इसमें अगर एनर्जी बिल्ड हो जाएगा ना ये इफेक्ट होगा। 3 साल के अंदर में 2 साल के अंदर में ऐसा एक अपॉर्चुनिटी को देने वाला है जो आपका जिंदगी में 20,000 आने वाला है। एनर्जी क्रिएट हो गया, जब भी इंफॉर्मेशन का साथ एनर्जी प्लस हो जाएगा ना इट्स कॉल्ड इफेक्ट। समझ में क्या बोल रहे? और इंफॉर्मेशन का साथ जो बिलीव आ जाएगा, विश्वास आपका बातों के ऊपर में, एनर्जी के ऊपर में बिलीवनेस आएगा, तो आएगा इफेक्टिवनेस। तो रूल नंबर 5 में जो बताया ना, क्रिएट इफेक्टिवनेस। बोले सर हम कैसे इफेक्टिव प्लान नहीं कर पाए रहे, हम तो प्लान दिखाते इफेक्टिव नहीं करते। सर आपका प्लान कैसे इफेक्टिव होगा? क्या इफेक्टिव करने के लिए मेहनत किया गया? नहीं, ऐसे इंफॉर्मेशन पास कर दे, क्या ओनली और इंफॉर्मेशन पास कर दे तो कैसे इफेक्टिव होगा? इंफॉर्मेशन का पहले एनर्जी को डालिए, इट इज इफेक्ट। आफ्टर दैट उसमें बिलीफ डाल दीजिए, इट विल कॉल्ड इफेक्टिवनेस। सामने वाला आदमी देख के लगे यस, वो कंपनी को पहचानिए, आपको देख के लगेगा यस आई कैन डू इट। आपको देख के लगेगा इस प्लान में ज्वाइन होना चाहिए, इस आदमी के साथ ज्वाइन होना चाहिए, इस सिस्टम से हमको इन्वॉल्व होना चाहिए। दिस कॉल्ड इफेक्टिवनेस। रूल नंबर 5, क्रिएट इफेक्टिवनेस। समझ में आया? दिस इज अ गोल्डन रूल के बारे में बात कर रहे हैं, गोल्डन रूल। उसका बाद मतलब हमारा क्या होता ना, कुछ ट्रांसफर नहीं होता, हमारा बिलीफ ट्रांसफर होता है। क्या बोला? पहचानते नहीं है कंपनी को, उनका अंदर में बिलीव नहीं है, आप खुद को लाइफ को चेंज कर पाएगा नहीं पाएगा, बट आपको देख के लगता है यू कैन चेंज योर लाइफ। दिस कॉल्ड इफेक्टिवनेस, ट्रांसफर बिलीव। आफ्टर दैट रूल नंबर, अच्छा उसका बाद ही और एक थर्ड, तो ट्रस्ट योर कंपनी एंड प्रोडक्ट, बिलीव प्लस क्लीन विजन इक्वल टू सक्सेस। गेदनो जो बोल रहा था इतना टाइम पकड़ के, मतलब ट्रस्ट ऑन योर कंपनी एंड प्रोडक्ट, तभी तो सामने वाला आदमी देखेगा। उस बिलीफ के पास क्लियर विजन को ऐड कर दीजिए, आपका सक्सेस गारंटी है। जो मकसद में आप गया ना करके आएगा, प्लान दिखाने के लिए गया, ज्वाइन करने का मकसद था करके आएगा। समझ में आया क्या बोल रहे? करेक्ट। उसका बाद हमारा नेक्स्ट गोल्डन रूल। अच्छा ये नेक्स्ट गोल्डन रूल का नाम क्या होता है? क्लियर ऑल द ऑब्जेक्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द प्लान। जब भी प्लान शुरू करने के लिए जा रहे ना, वहां पे क्लियर ऑब्जेक्शन कर दो। ऑब्जेक्शन आने वाला का पहले ना उसको क्लियर कर दो। आप जो बाद में जो ऑब्जेक्शन आएगा, ऑब्जेक्शन आने मत देना, ऐसा क्वेश्चन वहां पे कर देना। कैसे? दो चीज हाईलाइट है, हमारा अपॉर्चुनिटी,
पहले नीड्स को क्लियर करो, नीड्स क्या है। जो भी प्लान दिखाने के लिए आ रहा है उसका फोकस ऑन द नीड्स, क्या प्रॉब्लम है उसका अंदर में है, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे। हमारा अपॉर्चुनिटी प्रॉब्लम सॉल्वर है, और अगर प्रॉब्लम नहीं हमारा अपॉर्चुनिटी क्या होता है, ड्रीम बिल्डर है। तो किस सिस्टम का अंदर वो है, वो आदमी क्या है, क्या काम कर रहे, क्या क्या चीज के ऊपर फोकस है, उनका नीड्स क्या है। घर पे घर ले लिया, लोन के ऊपर में लोन पे नहीं कर पा रहा था, उसका कहां फोकस है, लोन के ऊपर में कैसे उसको पे कर पाएगा। हमारा प्लान, हमारा अपॉर्चुनिटी उसको सॉल्व दिखा रहे, तो ऑब्जेक्शन कैसे आएगा, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर फोकस देखा था उसको जो सॉल्व प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस लगा दिया उसका, तो कैसे सॉल्व करेगा उस चीज के ऊपर अगर फोकस दे रहा है, तो कैसे उसका पास क्वेश्चन आएगा, बताइए ना। उसका फोकस ऑन द नीड्स एंड फोकस ऑन द सॉल्यूशन। नीड्स का नीड्स मतलब सॉल्यूशन प्रॉब्लम है, उसका बाद फोकस ऑन ड्रीम, दोनों साइड जाएगा। तो योर बिजनेस आइदर सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटी। हमारा बिजनेस तो दो चीज में काम करता है, एक सॉल्यूशन में काम करता है, एक अपॉर्चुनिटी में काम करता है। अगर सॉल्यूशन में काम, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन कैसे आएगा, ऑब्जेक्शन कहां से आएगा, फोकस ऑन दैट। अगर ऑब्जेक्शन उसका बाद भी आएगा ना, उसका लिए ऑब्जेक्शन हैंडल का कोर्स है। कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करेंगे उसका ऊपर में हमारा कोर्स है, करेक्ट। उसके बाद गोल्डन रूल फॉर 7 नंबर गोल्डन रूल, डोंट सो वन वे प्लान। कभी एक तरफा प्लान मत देखाओ। है किसी बच्चा को जो स्टूडेंट पढ़ रहे है, उसको जो किसी बुड्ढा का प्लान दिखाएगा तो वही सेम प्लान उसको दिखाता है, कैसे चलेगा भाई, नहीं चलेगा। ये दोनों आपका डिफरेंट टॉपिक हो रहा है। जो रिटायर पढ़ते हैं उसके लिए अलग से प्लान होगा, जो लेडी आदमी है उसको अलग से प्लान, किस सिस्टम से बात करेंगे। ये दोनों, कोई इंजीनियर है उसका लिए अलग से प्लान होगा, कोई आदमी बहुत पैसा वाला आदमी है, लॉट ऑफ मनी इज मेकिंग, उसका अलग से प्लान होगा। तो आप अप्रोच टेक्निक को सीख लीजिए। तो डोंट सो वन वे प्लान, नेवर सो, अच्छा नेवर सो ऑन द प्लान, ऑन वे प्लान, रास्ता का और प्लान मत देखाओ, नेवर सो ऑन वे प्लान। बोल दिया अभी मेरे चादोगर में खड़ा था, बोला भाई प्लान तो देखो क्या प्लान है, वहां पे जाके खड़ा होकर प्लान दिखाया, नो नेवर, ये रूल्स है, करेक्ट। सो प्लान विद ए कन्वर्सेशन, मतलब आप खुद बोल रहे हैं, किसी का साथ कन्वर्सेशन नहीं कर रहे तो उसका अटेंशन नहीं आएगा, बीच बीच में क्वेश्चन भी कीजिए, ये तो नो। जो बोल रहे हैं आज का दिन में क्या, आज का दिन में इन्वायरमेंट इतना खराब हो रहा है, शुगर लेवल इतना बढ़ रहे, सर आपको मालूम है ना, सर ये सुनो, यस इंटरेक्शन उसका अंदर घुसना चाहिए। आप एक तो रुपए एक घंटा दो घंटा बोल के गया, कैसे होगा। तुम अंदर में पॉज होना चाहिए, सो प्लान विद कन्वर्सेशन। जो भी क्वेश्चन कर रहा है, कभी कभी क्वेश्चन करो उसका पास आंसर उसका फेवर में करो, ऐसा क्वेश्चन करो जो क्वेश्चन का आंसर आपका फेवर में आएगा। ये प्लान जो आपको देखा है सर अच्छा लगा ना, ये अच्छा लगा है सर, जो प्रोडक्ट देखा है ना, जो आपका ये जो आपका ग्लूको हेल्थ देखा ना, देखिए कितना अच्छा आदमी को, ये हमारा शुगर लेवल को, शुगर लेवल को आपका कंट्रोल कर देता है, सी अच्छा है ना सबके लिए, यस सर अच्छा है। आपका घर पे डेफिनेटली लगेगा ना, यस सर, मतलब जो भी क्वेश्चन कर रहा है ना वो आपका फेवर में आएगा। कॉन्वर्सेशन का बाद एक तौर पर मत करो, ये दोनों राइट टाइम एंड द राइट प्लेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सो द प्लान, जो बता गया। उसका बाद रूल नंबर 8, डोंट हर्ट ईगो ऑफ योर प्रोस्पेक्ट। बहुत सारा टाइम में क्या करते हैं हम लोग मालूम है, किसी को प्लान दिखाने के लिए, भाई आप नौकरी करते हैं, भाई नौकरी से बहुत बड़ा कुछ लेके आएगा, क्या करेगा नौकरी, सुतरस कर दिया उसका आदमी का हार्ट, ईगो कर मतलब ईगो का हार्ट कर दिया, और जिंदगी आपका साथ जुड़ा नहीं होगा, क्या होगा नौकरी करके यार। नौकरी में कोई आदमी रिच बनता है, हाँ? आपका बॉस को आपको अच्छा लगता क्या, डायरेक्टली हिट कर दिया, क्या लगता आपको आपका साथ जुड़ेगा। कभी भी डायरेक्टली हिट मत करो, किसी का ईगो को हार्ट मत करो, रिस्पेक्ट योर प्रोस्पेक्ट, करेक्ट। कभी भी नहीं करना चाहिए, सर आपका इनकम कितना है, आप डायरेक्टली पूछ लिया, ईगो हार्ट कर दे वाले। कभी किसी का इनकम मत पूछो, आपको तो नौकरी कर रहा है कितना इनकम होगा, डायरेक्टली बोल दिया। क्या आपका घर पे ऐसा ऐसा आदमी 20,000 रुपया पे आपका घर चलता है क्या, बता दिया। आने वाला आदमी आ रहा है आपको कैसे चलेगा, डायरेक्टली किसी को हिट करने का नहीं, आप खुद को एग्जाम्पल करो, सर हम घर पे रहते हैं, हम 30,000 रुपये कमाते हैं, 30,000 रुपये जो आज का दिन में जो इनकम जो दिन का ला रहे ना, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेरा सर घर चलेगा नहीं, हमको लगता है आपको क्या होगा मेरे को समझ में नहीं आता, बट हमको लगता है आने वाला दिन में ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। किसी को डायरेक्ट हिट मत करो, किसी का ईगो में ये हमार मत करो भाई, खुद को ऊपर एग्जाम्पल दो, यू छोड़ो,
हमारा ऊपर में जो भी बात करेगा ना, आपका खुद को आंगुल लगा के यहाँ पे वो डायरेक्टली हिट करेगा ना, या आपका बिजनेस को सुतरस करके जाएगा, वो जिंदगी में आदमी सफल नहीं बनेगा, वो आएगा नहीं आपका टीम में। डोंट हर्ट ईगो, बहुत क्या करेगा, डायरेक्शन का सबसे बड़ा काम है। आप नौकरी करके क्या करेगा, आप बिजनेस का क्या हाल होता है, उस बिजनेस करके क्या करेगा, ऐसा हार्ट टॉकिंग बात मत करो। यस नो, ये रूल नंबर 8। मैं रूल नंबर 9, अप्रिशिएट योर प्रोस्पेक्ट। किसी को जो प्लान दिखाने के लिए ना मौका मिला अंदर में अप्रिशिएट करने का प्लानिंग करे। घर पे जाकर प्लान दिखाया, हमारा प्लान कैसे होता है, 1-to-1 प्लान होता है, होम मीटिंग होता है, बिग मीटिंग होता है, उसका भी अलग अलग फॉर्मूला है। इतना टाइम नहीं है मैं बोलने वाला, 1-to-1 मीटिंग में क्या मेंटेन करना चाहिए, होम मीटिंग में क्या मेंटेन करना चाहिए, हाँ बिग मीटिंग में क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको 3 घंटा लगेगा। अगर इस चीज के ऊपर बात करेगा ना, जो सब्जेक्ट है 3 घंटा का बात है, ओनली प्लान के ऊपर मैं बात करेगा। ये दोनों तो उतना टाइम नहीं, यहाँ पे जो स्लाइड है ना वो भी कर नहीं पाएगा मेरे को, यहाँ पे 2-1.5 घंटा लग जाएगा जो हम स्लाइड कंप्लीट है। ये दोनों स्किल रूल नंबर 9, जो अप्रिशिएट मौका मिले उसका घर पे किया। आप अगर बताते हैं सर आपका करेक्ट, आप इंजीनियर है, बहुत अच्छा आदमी है, आप देखिए इंजीनियर कितना अच्छा काम करते हैं, इतना अच्छा कमाते हैं, कितना मतलब कुछ मौका मिले, आपका स्टाइल बहुत अच्छा, आपका शर्ट बहुत अच्छा है, अरे घर पे कुछ बच्चे को देखा ना, बच्चा बहुत कुछ क्यूट बच्चा है, और घर पे कोई स्कूटर बाइक है, अच्छा ये जो पुराना तरीके का कोई स्कूटर पड़ा है, बाइक पड़ा है, अब उसको आप तारीफ कर सकते हैं, वाह वेरी गुड। कोई घर पे जाके कोई एक पिक्चर देखे, पिक्चर तो बहुत नहीं से कहां से दिया, वेट फॉर, कोई मौका मिले, कोई प्रोस्पेक्ट को जाकर जिसको प्लान देखा रहना, ढूंढो इसका अंदर में कहां हम इसका अंदर में अप्रिशिएट कर सकते हैं। जब भी अप्रिशिएट करेगा मौका आपको मिलेगा, कोर्ट में बोल आने का, मतलब आप जो प्लान देखा रहे हो आपका अंदर में आएगा, टीम में आएगा, गारंटी। सुजोग मतलब अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, कहां पे घुस के उसको मौका मिले, अप्रिशिएट करने का मौका मिले। गेदनो करेक्ट, तो ये चीज ऐसे आप जैसे ऐसे बदलो, जैसे कि आप जानते हैं एक एक वर्ड इज मैजिकल वर्ड, जैसे कि आप जानते हैं आज का दिन में कितना आदमी बेकार है, जैसे कि आप जानते हैं मतलब यू आर द ऑलराउंडर, जैसे कि आप जानते हैं आज का दिन में कितना एनवायरमेंट खराब हो रहा है सर, जैसे आप जानते हैं आज का दिन में, जैसे कि आप जानते हैं शुगर का पेशेंट कितना आगे बढ़ रहे हैं सर, जैसे कि आप जानते हैं आज का दिन में हमारा हमारा यूथ का कितना नंबर बढ़ रहा है सर, जैसे कि आप जानते हैं नौकरी भी नहीं है मतलब उनको आगे दे प्रायोरिटी दे रहे, जैसे कि आप जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, हम नहीं जानते आप जानते हैं, देखिए अप्रिशिएट कैसा किया, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कि आप जानते हैं आज के दिन में डायरेक्शन नंबर 1, जैसे कि आप जानते उनको प्रायोरिटी दे दिया, जैसे कि आप जानते हैं आज के दिन में एमएससी करने का बाद भी डोम का पोस्ट पे नौकरी नहीं मिल रहा है, जैसे कि आप जानते हैं सर, जैसे कि आप जानते हैं आने वाला दिन में इन्फ्लेशन जो बढ़ रहे हैं, गैस का भाव 25 रुपए हो सकते हैं, आप जानते हैं ना सर, अप्रिशिएट कुछ सुजोग जो पे मौका मिले वो अप्रिशिएट करने का प्लानिंग करो। रूल नंबर 9, गेट द नो, जो भी प्लान दिखा रहे हैं तो अप्रिशिएट, अप्रिसिएशन क्रिएट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन प्रोस्पेक्ट। जब भी अप्रिशिएट करें ना, एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ता है आपका बारे में, आपका बारे में एक पॉजिटिव इंपैक्ट छोड़ के जाता है। इस चीज के ऊपर भी आपको पूरा फोकस देना पड़ेगा जब भी किसी को प्लान दिखाने के लिए, प्लान दिखाने का तो कितना काम है, वो तो ऐसे सीख जाएगा, बट दीज आर द रूल्स एंड टिप्स एंड ये अगर चेक करके जाएगा काम प्लान दिखाने के लिए 90% अब जो हमारा रूल है ना, मेजर लोग यहाँ पे आपका आने के लिए तैयार है, जहां पे गोल्डन रूल है सब आदमी नहीं आएगा, एवरेज है 80-20 रूल है, उसका ऊपर में भी ब्रेक कर सकते, उसका ऊपर भी आपका प्लान के प्लान में सफल बना सकते। अभी रूल नंबर 10, अटेंड योर प्रोस्पेक्ट प्रॉम्प्टली। किसी आदमी का पास गया प्लान दिखाने के लिए ना, इधर उधर मत करो, प्लेन निकाल रहा है, खाता निकाल रहा है, फोन देख रहा है, 3 बार फोन को देख रहा है, बैग से निकालते टाइम लगाता है, किसी आदमी का फोन आ गया वहां पे ऐसे ही कर रहे हैं, आपको मालूम है कोई आदमी सामने जो आता है ना, 3 से 5 सेकंड के अंदर में आपका पूरा हिस्ट्री को पहचान जाएगा, आपको किस तरह का आदमी है वो देख के समझ जाएगा 3 से 5 सेकंड के अंदर में। यू आर प्रोफेशनल बिजनेसमैन, जब भी जहां पे प्लान दिखाने के लिए गया ना, एकदम देन एंड देयर अटेंशन टू द डायरेक्टली प्रोस्पेक्ट, किधर नहीं जाएगा दिमाग वाला, आप किधर नहीं जाएगा, मेरा पूरा फोकस ऑन दैट का प्रोस्पेक्ट के ऊपर में, पूरा ध्यान पूरा प्लान मेरा उसके ऊपर भी जाएगा। देखते हैं बहुत सारा गया, दूसरा आदमी घर पर गया, गप मारता है, उसका बात है, चार देता है, उसका ये करता है, वो बैग लगाता है, उसको एक बार देने एक बार मोबाइल को देख लेता है, पेन निकालते टाइम लगाता है, खाता निकालते टाइम लगाता है, 3-4-5 सेकंड के अंदर में आपको स्ट्रैटेजी बता वो समझ जाएगा। ऐसा मत करो, ऐसे
दिस इज अ रूल है टू क्रिएट पॉजिटिव इमेज. यू आर प्रोफेशनल पक्का, यू आर पंक्चुअल, यू आर डिसिप्लिन, यू आर सो मच फोकस ऑन दिस प्लान. ऐसा कुछ करो तो हमारा प्लान जो दिखाएगा ना प्लान, वो आने का चांस 100%. गेट नो. रूल नंबर 11, मेक योर प्रोस्पेक्ट फील कंफर्टेबल. क्योंकि नया पीपल पहले आपसे बात करना नहीं चाहते, आप आगे जाके खुद बढ़ाते हैं, खुद आपको बात करना पड़ेगा, उसको कंफर्टेबल जोन में लेना पड़ेगा. कैसे कंफर्टेबल? एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिस वर्ड का नाम है क्या मैं जान सकते हैं? आप गवर्नमेंट सर्विस और प्राइवेट सर्विस करते हैं क्या? आप जान सकते हैं आपका आपका ये आपका मतलब इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, क्या आप जान सकते हैं? क्या मैं जान सकते आप मतलब उनका मतलब ये इस तरह का बात करो ना, वो कंफर्टेबल फील करेगा, कंफर्टेबल फील करेगा. क्या मैं जान सकते हैं आपका घर पे कौन कौन है? क्या मैं जान सकते मतलब कुछ भी, क्या मैं जान सकते पहले बार या मीटिंग में आया? क्या मैं जान सकते क्या आप इस डायरेक्शन के बारे में पहले दिन आया? क्या आप जान सकते हैं क्या आप इस सिस्टम से आपका अंदर में ड्रीम ऐसा हो सकता है? मतलब क्या हम जान सकते हैं उसका बस परमिशन ले रहे हैं. सोचने वाला प्लानिंग करो, क्या आप जान सकते हैं? क्या मैं जान सकते हैं मतलब उसका पास परमिशन ले रहा है. कोई भी बात जो कर रहे हैं ना उसमें परमिशन ले रहा है, मतलब वो प्लीज हो जाएगा, वो कंफर्टेबल फील करेगा, वो आपके डिटेक्ट नहीं होगा, वो कंफर्टेबल हो जाएगा आपका साथ. समझ आया क्या बोल रहे हैं? रूल नंबर 11, मेक योर प्रोस्पेक्ट फील कंफर्टेबल. गेट नो. रूल नंबर 12, लिसन केयरफुली. हम लोग ना पैरोट होता है, पैरोट सामने वाला आदमी को बात ही करने देता है, जो हम शुरू करते हैं ना छोड़ता ही नहीं हम. और ऊपर आपको एक ही मुख दिया, दो कान दिया है, सुनो ज्यादा बात करे कम, उल्टा कर दे पूरा हिस्ट्री को बता के आ जाता हम. मिला ना सामने किसी को ना रुकते नहीं, माल्टर नहीं है, पूरा एक्सप्रेस ट्रेन है. शुरू किया ना उसका अटेंशन किधर है दिखता ही नहीं है, हम लगाता है बात करता है बात करता है बात कंटिन्यू. भाई बोलो, क्वेश्चन करो उसको, ज्यादा मत बको कि लिसन केयरफुली. किसी आदमी का जब सुनता है ना, उस सामने वाला आदमी को रिस्पेक्ट देता है. तो हम लोग रिस्पेक्ट देना नहीं चाहता है, हम खुद बात करना चाहते हैं. ज्यादा खुद बात करेगा तो वो डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, कोई अटेंशन नहीं देगा आपका प्लान के ऊपर में. अगर प्लान भी दिखाया था ना, वो प्लान में साइन नहीं करेगा, उसका बात को केयरफुली सुन. जो भी बोल रहे हैं यस 100% गारंटी, उसको बोला 100% यस आई एग्री 100%, जो भी बात कर रहा है ना यस आई एग्री 100%, जो भी वो बोले दो बार बोलो पूरा प्लान का अंदर में यस आई एग्री 100%, प्लीज हो जाएगा. रूल नंबर 12, समझ में आया? रूल नंबर 13, जैसा बोला एग्री विथ योर प्रोस्पेक्ट. वो मतलब अगले वाला बोल दिया हम, ये तो 13 था लिसन केयरफुली, उसका बाद जो पॉइंट हम पहले बता दिया ना, एग्री विथ योर प्रोस्पेक्ट आई 100% एग्री विथ. कुछ भी बोल रहे ना एग्री करो उसका साथ, कुछ भी बोल रहे, खराब भी कुछ बोल रहे हैं आई एग्री 100%. किसी आदमी को जिताने का काम नहीं, खुद को जीतने का काम नहीं है, किसी आदमी को जिताने वाला काम करो, उसको पहले जिता दो. आप खुद विन करने का प्लानिंग मत करो, ऊपर वाला आपको जिताएगा, सामने वाला आदमी को जिताओ. ये दैट इज योर मेन प्रोस्पेक्ट. आई एग्री विद यू, यस सर आई एग्री विद यू. जो भी गलत बोल रहे यस सर आई एग्री विद यू, वो प्लीज हो जाएगा, वो आपको छोड़ के कहा नहीं जाएगा. रूल नंबर 13, एग्री विद प्रोस्पेक्ट आई एम 100% एग्री विद यू. अंदर रूल नंबर 14, ये 14 रूल है जो रूल के बारे में बताया, उसका बाद दो स्लाइड है, आज कैसे होगा आपको समझ में आ रहा है. उसका बाद अगर वो वाला होम मीटिंग होम मीटिंग पता जाएगा ना, 2-3 घंटे लगेगा, बट अब दो एक पॉइंट के बारे में डेफिनेटली बताएगा. द लास्ट गोल्डन रूल फॉर द स्विंग बिजनेस प्लान, इससे बड़ा रूल नहीं है 14 नंबर जो रूल है ना, दैट इज कॉल्ड ए सो प्लान डेली. आपका प्लान को डेली शो करो. अगर प्लान को डेली सेव करेगा ना, हमारा प्रोस्पेक्ट का नंबर बढ़ेगा. हमारा पास कौन आ रहा है नहीं आ रहा देखने का नहीं है, लॉ एवरेज काम करते हैं, कुछ आदमी आएगा कुछ आदमी नहीं आएगा. यू आर ऑन द वे, यू आर द पक्का नेटवर्कर, डेली आप प्लान दिखाता है, यू विल बी द एक्सपर्टाइज ऑफ द प्लान. प्लान के ऊपर में एक्सपर्टाइज ऐसे ही बनेगा, बाई डिफॉल्ट बनेगा. समझ में आया जो बोल रहा आपको?
ऐसे ही बनेगा, बाय डिफॉल्ट बनेगा, रुक नहीं पाएगा। रूल नंबर 14 जो दिखाया, सो प्लान डेली। समझ में क्या बोल रहे हैं ना? और एक पॉइंट के बारे में हमारा एक साइड दिखाएगा, उस एक साइड का नाम है अच्छा ये जो अभी सो प्लान डेली जो बोला है, नॉलेज विदाउट एक्शन इज नथिंग, जो बोल रहा था ना, सीख तो लिया सब कुछ है, क्या डेली प्लान दिखा रहे, इसलिए बोल रहा है नॉलेज विदाउट एक्शन इज नथिंग, सब सीख लिया बट प्लान नहीं दिखा था डेली तो क्या होता है, नथिंग। यस, STP इज अ की टू फाइंड आउट द क्राउन एंड अबोव, सो द प्लान STP, सो द प्लान, जहां से जन्म लेता डबल क्राउन, जहां से जन्म होता DCT, जहां से जन्म होता एम्बेसडर, वो प्लान में ही आया, तो सो द प्लान STP इज अ की टू फाइंड द क्राउन एंड अबोव। समझ में ये दीज आर द 14 रूल्स, गोल्डन रूल, ये गोल्डन रूल कहा जाता है, गोल्डन रूल, 14 रूल्स फॉर शोइंग द बिजनेस प्लान, करेक्ट। और एक साइड का मार्ग जाएगा, जिस साइट का नाम है फ्यू गाइडलाइंस बिफोर योर, कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात करेंगे फॉर बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेशन, जब भी आप प्रेजेंटेशन करने के लिए जाएगा कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो, पहला गाइडलाइंस, कॉल द प्रोस्पेक्ट एट योर होम और सम कैफे और रेस्टोरेंट। आपका प्रोस्पेक्ट जो प्लान दिखाने के लिए बोलेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए एट योर होम, हो सकता है ये प्लेस है, रास्ता में नहीं है, और कोई कैफे टैफे पे जहां पे चार दुकान मोड में नहीं है, पांच दुकान मोड में नहीं है, और कोई रेस्टोरेंट में जा सकते हैं, और आपका जो बड़ा मीटिंग होना है, जो होम मीटिंग का बाद, वन टू वन मीटिंग का, ये तो वन टू वन मीटिंग का बाद और होम मीटिंग का बाद होता रहे, बट जो बिग इवेंट होगा ना, बिग इवेंट, वो तो हॉल में आपको बुलाते हैं। बट अगर मेजर हम लोग कहां प्लान दिखाते हैं, ये तो बिग मेगा इवेंट है तो 2 महीना में एक बार होगा, महीने में एक बार होगा, बट आपको जो डेली प्लान करना पड़ेगा वहां पे होम मीटिंग, आपका कैफे और रेस्टोरेंट, ये जाएगा में, दैट शुड बी रेम, ये गाइडलाइन होना चाहिए। उसका बाद एक नंबर पॉइंट जो है, कंट्रोल द एनवायरमेंट एंड अवॉइड डिस्ट्रक्शन। आपको जो एनवायरमेंट, जो बिजनेस को बनाने का जो एनवायरमेंट बनाएगा, दैट डिपेंड्स ऑन यू, ये दोनों, आग अगर खुद डिसिप्लिन हो जाएगा ना तो एनवायरमेंट ऐसे बनेगा, कंट्रोल हो जाएगा, तो उस माहौल को ऐसा बनाओ आप उस कोई कोई काम, मतलब बिजनेस को प्लान को बनाने का टाइम में, अगर आप दूसरा कोई बात के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में बात शुरू कर दिया, कोई दूसरा चीज के बारे में बात शुरू कर दिया, यू कैनॉट कंट्रोल योर दैट थिंग्स, एक्चुअली यू हैव टू कंट्रोल, मतलब आपका जो फोकस होना चाहिए जो प्लान में, हमारा मकसद यहाँ पे ज्वाइन करा के प्लान देखा, ज्वाइन करेगा, मतलब आपका एनवायरमेंट को आप खुद कंट्रोल करना पड़ेगा, दूसरा जगह में जाना नहीं, मत देना, इट इज योर कंट्रोल, ये दोनो, एंड अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्ट्रैक्शन है ना, आप घूमते फिर ना, आपका फोकस ऑन द प्लान, कोई भी फोन आ गया, कौन भी कुछ भी आ रहा है, उसको डाइवर्ट करके आपका उनको फोकस कहाँ पे लेके ले जाना पड़ेगा, प्लान के ऊपर जाना पड़ेगा, कोई किसी को घर पे प्लान देखा रहा है, किसी आदमी बच्चा आ गया वहां पे, ये दोनो, तो अटेंशन आपको क्या दोबारा फोकस करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा कुछ है, कंट्रोल एंड एनवायरमेंट अवॉइड। यस, 3 नंबर पॉइंट, बी पंक्चुअल टू स्टार्ट एंड एंड द मीटिंग। जहां भी मीटिंग करने के लिए जाएगा वहां पर डिसिप्लिन होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, बी पंक्चुअल, अगर पंक्चुअलिटी मेंटेन नहीं करेगा ना तो पहले ही बोला ना, वो फर्स्ट इंप्रेशन जैसा बता था ना, ऐसे होगा। स्टार्ट पंक्चुअल, स्टार्ट करने का, मीटिंग को खत्म करने का भी है, आपका टाइम है खत्म करने का, ये दोनों देखिए, टाइम है जैसा होता है, हमारा प्रोडक्ट कम खा रहा है टाइम, क्योंकि इसका बाद हम खाना खाएगा, आप देखो प्रोडक्ट को टाइम में खा रहा है, पंक्चुअल, ये दोनों करेक्ट, थैंक यू वेरी मच, बी पंक्चुअल एंड एंड ऑफ मीटिंग। उसके बाद 4 नंबर जो पड़ेगा, ड्रेस लाइक ए, पहले बता गया, ड्रेस लाइक ए बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, काल जैसे हमारा इमेज मैनेजमेंट का ऊपर में आरती मैम क्लास लिया था, किस तरह का ड्रेस होना चाहिए, ये दोनों, अगर आप मोटा है, आपका हिप मोटा है, इधर थोड़ा थीन है, अगर यह मध्य प्रदेश चौड़ा हो, इधर थोड़ा, किस तरह का ड्रेस आपका मैच करना चाहिए, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन कैसे होगा, अगर आप नीचे ब्लैक ऊपर में ब्लैक, उस ब्लैक ऐसा करके मत जाइए, अगर आपको ऐसा होना चाहिए, अगर कलर पढ़ना है नीचे ब्लैक पीना तो ऊपर में क्या पढ़ना चाहिए, ऊपर आपका आपको हल्का शर्ट, हल्का कलर होना चाहिए, नीचे डीप है तो ऊपर में आपका क्या होना चाहिए, व्हाइट कलर, व्हाइट टाइप का कलर होना चाहिए, अगर नीचे व्हाइट पहना तो ऊपर में डार्क कलर, ऐसा होना चाहिए, दोनों ऐसे कॉम्बिनेशन, अगर कोई आदमी रोगा पतला है, प्रिंट वाला पहन रहा है ना, छोटा प्रिंट करो, बड़ा प्रिंट मत करो, अगर कोई मोटा वाला आदमी है उसमें लगाओ बड़ा, ऐसे बहुत सारा चीज है, मतलब
कहां पे भी जा रहा है ना, ड्रेस से लाइक ए सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, ऐसा कुछ पहन के जींस पर के ऐप पहन के चोटी लगा के चल गया, ड्रेस को प्रॉपर करो, बिजनेस लाइक ए ड्रेस है, जॉब प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं ये। उसका बाद मेंटेन पोस्चर, ये पहले भी बता गया है, पोस्चर मेंटेन का मतलब क्या होता है, मतलब बेगिंग अप्रोच मत करो, बेगिंग, यस आपको हाफ को प्लान देखेगा तो हम धन्य हो जाएगा, यस आर देखेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, मतलब उसको रियलाइज करने दीजिए जे यू आर गिविंग फेवर नॉट यू आर टेकिंग फेवर, किसी से फेवर नहीं ले रहा है, आप किसी को फेवर करने के लिए आया, फेवर नहीं ले रहा है, उनको आपका काम के ऊपर में, बातों के ऊपर में समझा दो, आई एम नॉट टेकिंग फेवर फ्रॉम यू, आई एम गिविंग फेवर टू यू, क्या देखो तो मेंटल पोस्चर। और एक पॉइंट है, गो इन द फुल प्रिपरेशन, जहां पे भी जाएगा ना फुल प्रिपरेशन करके जाओ, क्या देखो फर्स्ट राउंड रिहर्सल करके जाओ, किसी का पता कर प्लान दिखाने के जा रहे हैं, ये गाइडलाइंस है। उसका बाद और एक पॉइंट है, ऑलवेज बी एक्साइटेड, जहां पे भी जा रहा है प्लान दिखा रहा है, ऑल टाइम एक्साइटेड मूड में रहे, ये दोनों। उसका दो एक पॉइंट है, यस नेवर गो टू शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी विदाउट अपॉइंटमेंट, कहां पे भी जॉब जाएगा प्लान दिखाने के लिए, कभी विदाउट अपॉइंटमेंट में कहां पे भी जाएगा नहीं, विदाउट अपॉइंटमेंट में आपको वैल्यूलेस कर दे, नेवर गो टू शेयर योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू With your, without your appointment, get to know, pura appointment leke jao, correct. Aur ek point hai, jaisa ye bata ke aa gaya tha, use edification for better result, ye to bata ke aa gaya tha, get to know, get into good mental and emotional state. Kahan pe bhi aap ja rahe hai na, pehle everything depends on the mind. Aapka state of mind ko clear karke jao, emotional state. सब कुछ डिपेंड होता है स्टेट ऑफ माइंड के ऊपर में, तो गुड मेंटल सेटअप करके जाओ, ये कजड़ा लेके मत जाओ कहां पे भी। अभी घर पे भी झगड़ा हो ना, उसको ब्रेन को क्लियर सिग्नल दे दो, ऐसा कुछ लेके, ऐसा कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख के आप क्लियर होके जाएगा, जो आपका गुड मेंटल सेटअप होगा, आपका इमोशनल स्टेट थोड़ा पीसफुल में रहेगा, पूरा चीज आपका विनिंग साइड में जाएगा, ये दोनों खबड़ी में ऐसा डाल के जाओ, मेंटल सेटअप ऐसे करके जाओ, ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये कहा था, अच्छा ये तो आपका आठ, एक मिनट, आठ दो नंबर पॉइंट कहां से है, यस अच्छा एक मिनट, अच्छा ओके, और लास्ट पॉइंट है, इसको बता के चल जाता है आपका, 11 स्टेप प्रोसेस फॉर मीटिंग दैट ब्रिंग ग्रेट रिजल्ट। आप अगर मीटिंग कर रहे हैं ना, वहां पे 11 स्टेप है जो आपका मीटिंग के ग्रेट रिजल्ट देगा। पहले पॉइंट जो बताया ना आपको, जो अभी बता रहे हैं, यही वही पॉइंट का बता रहा था मैं, एक्चुअली पिछला वाला साइड अंदर में घुस गया था, ये दोनों, ये 11 स्टेप प्रोसेस फॉर मीटिंग दैट ब्रिंग ग्रेट रिजल्ट, आपका मीटिंग में ग्रेट रिजल्ट लाने के लिए ये 11 स्टेप है। पहले स्टेप है मेंटल सेटअप को पहले ठीक करके जाओ, वहां पे कजड़ा डाल के मत जाओ, यहाँ पे कजड़ा को हटाओ, यस गुड मेंटल सेटअप लेके जाओ, तो आपका बिजनेस जो मीटिंग किया ना उसका रिजल्ट फेवर में आएगा एंड पॉजिटिव आएगा। उसका बाद फर्म एंड फ्रेंडली हैंडशेक, जहां पे भी ज्ञान है वहां पे जाके ना उसको फ्रेंडली हैंडशेक करो। हैंडशेक किस तरह का होता है ना, कल भी सिखाया वहां पे, दोस्त तेरे का हैंडशेक मत करने का है, जाके पकड़ लिया जबरदस्त, ये नहीं करने का है, जाके ऊपर में जाके हैंडशेक करके ऐसे आंगुल करके ऐसे ऐसे कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे आके जाके ऐसे टच करके भाग गया, ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। हैंडशेक जो हुआ है ना ऐसे करके एक दो तीन छोड़ दो, ये भी उसको कल सिखाया ना, फर्म एंड फ्रेंडली हैंडशेक, जो रिजल्ट आपका ये बहुत पावरफुल आएगा, करेक्ट। आफ्टर दैट तीन नंबर, वियर योर स्माइल ऑल द टाइम, जितना पहले भी पॉइंट था, अगर आपको रिजल्ट चाहिए ऑल टाइम आपका चेहरा के ऊपर में स्माइल फेस होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस, यस। चार नंबर जो आपको स्टेप है गुड रिजल्ट लेने के लिए, गिव ए जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, जो पहले भी बताया गया, कॉम्प्लीमेंट जेन्युइन दीजिए, गेट इनटू अ गुड मेंटल एंड इमोशनल स्टेट, फर्म एंड फ्रेंडली हैंडशेक, wear your smile all the time, give a genuine compliment, get it? Uska baad panch number, quick casual conversation and point out similarities. Casual conversation ka matlab kya hota hai, kabhi kabhi matlab aapko serious mood mein nahi hona chahiye, kabhi kabhi na mane ball game ko dusra dhang se chalana chahiye, acha koi kuch bhi koi topic ke upar baat karna chahiye, achanak business side se nikalna chahiye, to usko jo focus hai na ek kabhi kabhi na aisa quick casual conversation jana chahiye। ये भी आपको क्या होता है ना,
तो वो सेमनेस से वो अलग से निकल के आएगा, देन मेंटल सेटअप और भी अच्छा हो जाएगा। करेक्ट। और एक पॉइंट है, क्विक एम्बियंस चेक एंड मोबाइल्स ऑन साइलेंट मोड। जब भी मीटिंग शुरू करने के लिए जा रहा है, देन एंड देयर चेक करो, शुरू करने का पहले किसी का मोबाइल को चेक करो, बंद दे क्या, स्विच ऑफ है, ऐसा कुछ के एम्बियंस को रेडी करो। यस, आई एम नाउ गोइंग टू स्टार्ट द मीटिंग। नाउ इज अ सीरियस पॉइंट, क्योंकि आपको बिजनेस बारे में बात करने वाला है। नाउ हम लोग चेक कर रहे थे सब कुछ ठीक है क्या, मोबाइल नंबर, मोबाइल टेबल एक बार चेक कर लो ताकि खुला नहीं रहेगा, ये दोनों। उसका बाद इंट्रोडक्शन एडिफिकेशन, आपका इंट्रोडक्शन शुरू कीजिए, ये दोनों। यस, इंट्रोडक्शन का शुरू कीजिए एंड वहां पे एडिफिकेशन भी आपका टाइम है जो है ना उसको करना पड़ेगा। करेक्ट। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द व्हाई, आप जो शुरू किया इंट्रोडक्शन किया, आप बिजनेस मोड में चल गया, उसका बाद व्हाई पार्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाइए। जब भी प्लान शो करने जाएगा, आपका मेन मकसद होगा ये क्यों चाहिए, क्यों। सब आदमी का एक ही क्वेश्चन है कि व्हाई, अगर उसको व्हाई को क्लियर कर नहीं पाएगा तो जितना बड़ा भी प्लान देखा ना, प्लान का ऊपर में रिजल्ट नहीं आएगा। ये दोनों, ये व्हाई के ऊपर पूरा ध्यान लगाओ, बिकॉज व्हाई इज बेटर देन हाउ। हाउ बहुत सारा हो सकते हैं, हम लोग बताते ना, फाइंड आउट द वन रीजन नॉट टू डू द बिजनेस, डोंट फाइंड आउट द 99 रीजन नॉट टू डू द बिजनेस। यस, 99 रीजन को 90 रीजन मत ढूंढिए क्यों बिजनेस को कर नहीं पाएगा, एक रीजन को ढूंढिए क्यों करेगा। मतलब आपको वहां पे उसको वाई को निकालना पड़ेगा, काम जब मीटिंग करने के लिए जा रहा है, वो जब शुरू किया इंट्रोडक्शन पार्ट किया, उसकी जो फोकस लगाइए। ये दोनों, शेयर द बिजनेस अपॉर्चुनिटी, उसका बाद बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर चालू कीजिए जैसे हम लोग शेयर करते हैं, ये दोनों। एंड उसका बाद शुरू कर दिया, आप कैसे आया बिजनेस अपॉर्चुनिटी करते करते, आप बिजनेस में कैसे आया, किस सिस्टम से काम करा, आज कौन सा लेवल में, अगर लेवल में है, हमें ये सिस्टम से आया बहुत अच्छा लग रहा है, उसका आपका स्टोरी भी कुछ बता दीजिए। करेक्ट। एंड 11 नंबर पॉइंट, से बाय बिफोर इट इज टू लेट। ये दोनों, लेट करने का पहले मतलब हमारा ज्यादा टाइम मत करके पहले बाय करो, वहां पे मीटिंग से निकलेगा बिफोर टाइम, उसको कंप्लीट करने का सिस्टम करो एंड वहां पे बाय बाय टाटा करो एंड वहां से निकल के आओ। एंड फिनिश द मीटिंग इन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर में मीटिंग को कंप्लीट करने का प्लानिंग करो, एक घंटे के अंदर में, क्योंकि ज्यादा आदमी का पेशेंस नहीं रहता है। पेशेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक घंटा तीन घंटा लगा के मीटिंग को कर रहे हैं, प्लान शो कर रहे हैं, आदमी भाग जाएगा। 60 मिनट मैक्सिमम, एक घंटा काफी है। फिनिश द मीटिंग इन 60 मिनट। यस, मीटिंग शुड एंड विद ए कंफर्म अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग। जहां पे भी मीटिंग कोई कर रहे हैं, यहां पे भी, वहां पे कंफर्म करो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 15 दिन के बाद और एक मीटिंग करने वाला है, नेक्स्ट मीटिंग का बुकिंग करके वहां पे निकालो। मीटिंग का बाद मीटिंग, आपको मालूम है बिजनेस हमारा बढ़ता है मीटिंग के ऊपर में, इवेंट हमारा लाइफ लाइन है बिजनेस को बढ़ाने के लिए। 2 तारीख का इवेंट सबसे बड़ा फंक्शन होने वाला है, एवरीबॉडी हैव टू गो देयर। जिसके पास 2 आदमी है, 10 आदमी को लेकर पूछना है, इट विल बी द हिस्ट्री नेटवर्क इंडस्ट्री, ये दोनों। तो मीटिंग शुड एंड विद ए कंफर्म अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग, ये दोनों। करेक्ट। तो दैट इज, थैंक यू वेरी मच। या नियर अबाउट प्राय 1 आवर पकड़ के हमने अभी बात किया डिफरेंट टॉपिक के ऊपर में, ये दोनों। अभी सुबह ये प्रेजेंटेशन को हम, सुबह नहीं है, हम खाना का बिजी था, खाना खा के 2:30 बजे बैठा है, 2:30 बजे बैठ के प्रेजेंटेशन का तैयार किया। ये दोनों, कोई आदमी अगर चाहता है कुछ भी कर सकते हैं, अगर यहाँ खोपड़ी लगाओ, ब्रेन करो, जो काम करेगा हमको चाहिए, कुछ भी आदमी कोई भी बना सकता है, ताजमहल बना सकता है तो कोई भी आदमी बना सकते हैं। कोई हाथी घोड़ा यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लान दिखाने का, प्लान को रूल्स को मेंटेन करेगा करने का कुछ नहीं है। एक्सपर्टाइज तभी बन जाएगा जब रेगुलर बेस पे करते रहेगा। ये दोनों, तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। ओवर टू, हम लोग कौन कौन अगर लीडर है, पहले तो आप सुविधा मैम के पास जाएगा। अगर यहाँ पे कोई लीडर है, अभी भी 80 पीपल है, हम देखा 98 आदमी आया था। अगर कोई आदमी अगर हमारा साथ बात करना चाहता है, आने वाला 3-4-5 मिनट कुछ आदमी का साथ एवरीडे जरूर इंटरेक्शन करना चाहिए, कैसे लगा आपको चैट बॉक्स में एक बार लिखते रहिए, किधर किधर से आप लोग कनेक्ट था वो भी लिखिए, एक बार हम देखना चाहते हैं। जस्ट स्पीचलेस।